पढ़ा था जल्दी बताइए। ऑक्सीडेशन मेथड हुआ था सर। हाँ, मैंने कहा था स्ट्रक्चर का ड्रॉ करने का तरीका कि सिंगल सेंट्रल एटम हो तो कैसे होगा, ये बता दिया गया। ऑक्सीजन किनारे होगा तो डबल बॉन्ड होगा, और ऑक्सीजन दो एटम के बीच में आएगा तो आपको दो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। और दो सेंट्रल एटम अगर होगा तो तीन बातें याद रखनी है। ए, अगर दो सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन ऑड नंबर में है, तो ए ओ ए होगा, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? ऑक्सीएसिड ऑफ सल्फर। बहुत अच्छे। और अगर दो सेंट्रल एटम है, इवन नंबर में है, तो ए सिंगल बॉन्ड ए या ए ओ ओ ए होगा। क्लियर? हाँ। तीसरा है ऑक्सीडेशन मेथड। सारे लोग मिलकर बताओ, ऑक्सीडेशन मेथड किसके लिए अप्लीकेबल है? ऑक्सीएसिड ऑफ सल्फर। बहुत अच्छे। सल्फर। हाँ, मैंने एक असाइनमेंट भेजा है, बहुत सारे लोग ने भेजा नहीं है, रात के 11:30 बजे तक करके भेजें। अरे बोलो हाँ या ना। सर कहाँ पर भेजा है? अरे जो लोग ऑनलाइन ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है, वो मुझे अभी व्हाट्सएप कर दें कि सर मेरा नंबर ज्वाइन कर दें अभी जस्ट। जिसका भी ऑनलाइन कोचिंग के ऑनलाइन ग्रुप में जो लोग ज्वाइन नहीं है, वो अपना व्हाट्सएप मुझे कर दें कि सर मुझे ज्वाइन कर दीजिए। नहीं करोगे तो असाइनमेंट वगैरह नहीं मिलेगा। अभी बहुत सारे बच्चों का असाइनमेंट आ रहा है, उससे उसको कमजोरी का पता चल रहा है, ऑडियो क्लिप बनाकर मैं भेज देता हूँ। जिसका भी ऑनलाइन कोचिंग के ऑनलाइन ग्रुप में जो ज्वाइन नहीं है, वो जस्ट अभी मुझे भेज दें कि मैं दोबारा भेज दूं, तभी आपको पता चलता रहेगा। क्योंकि मैं अब हर एक क्लास के बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, उससे फायदा होगा, इनऑर्गेनिक की प्रैक्टिस होती रहेगी, बाद में आपको उसी से डाउट भी क्लियर होगा। गलत करेंगे मैं ऑडियो क्लिप बना के भेजता हूँ। बहुत सारे लोगों का भी मैंने चेक नहीं किया, चूंकि मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, मैं रात में पूरा चेक करके कल तक आपको बताऊंगा। चलिए अब आइए सारे लोग, आज हम लोग अब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो टॉपिक डालिए सारे लोग, हम लोग टॉपिक डालिए ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सी एसिड ऑफ द फास्फोरस में देखिए, सबसे पहली बात, केमिस्ट्री में हम सबसे पहले है ध्यान, जब आपको मजा आएगा पढ़ने में। देखिए, सबसे पहला ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड की पहचान है, दोबारा मैं बता देता हूं, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। सबसे पहला नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4। अब देखो तुम्हारा कंसेप्ट रिवाइज्ड होगा, सारे लोग बताएं रिवाइज्ड होगा। ये है, मैंने क्या सिखाया था, ध्यान दो पहले और रिवीजन करो, कि तमाम ऑक्सी एसिड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ OH के बराबर होगा, किसको छोड़कर? फास्फोरस। हाँ बहुत अच्छे। तो बताओ ये ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस है, हाँ या ना? यस सर। इसमें क्या बता? हाँ, इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉप का तरीका बताया था, पी डबल बॉन्ड ओ और OH लिख देंगे, ओके, और दो बॉन्ड आप इस तरह दे देंगे, बाकी बच्चे को लगा देंगे, पहले पी डबल बॉन्ड ओ, एक OH। अब बताओ
अब सारे लोग देखो, सारे लोग ध्यान दो, प्लीज एंड प्लीज, प्लीज एंड प्लीज। कितना ऑक्सीजन बचा? टू। कितना हाइड्रोजन बचा? दो। तो बस दिस इज स्टाइल ओ एच, बाकी को लिख दो। आया समझ में? हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब देखो ऑक्स, अब जब भी एग्जाम में बनाओ तो लोन पेयर भी देना सीखो। ऑक्सीजन पर लोन पेयर, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में कितना बॉन्ड बन रहा है जल्दी बताओ? 2। 6 में, 6 में से 2 घटा दो, 4 बचा, 4 का मतलब 2 लोन पेयर। बोलो, अरे कौन बात कर रहा है भैया, हटो भाई, अभी मैं रिमूव कर रहा हूँ उसको, अभी मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब बताओ ये वाला ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है जल्दी बोलो? दो। अरे दो बना रहा है भाई, कौन कहा वन? ऑक्सीजन एच से भी है, तो फिर बताओ ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बना रहा है, 6 में से 2 घटाओ कितना? 4। चार, चार, चार का मतलब 2 लोन पेयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अच्छा अब देखो, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 लोन पेयर, 6 में से 2 घटा दो, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, 6 में से। फास्फोरस, फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। फास्फोरस बॉन्ड कितना बना रहा है? 5। 5 माइनस 5 कितना हुआ? 0। कोई लोन पेयर नहीं। अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है, हाउ मेनी लोन पेयर इन H3PO4, तो आप स्ट्रक्चर ही बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोन पेयर पर टिक मारेंगे। ओके अच्छा आप सुने, अरे बोलिए, आया सबको समझ में? यस सर। आप आपसे पूछेगा, गौर से सुनो। यस सर। हाँ, इट इज, लिखना मत, इट इज ट्राइबेसिक। ट्राइबेसिक का मतलब ट्राइप्रोटिक, मतलब ये कि इट रिलीजेस 3H+। ट्राइप्रोटिक का मतलब, ट्राइबेसिक का मतलब 3H+। कोई क्या है? यही पूछेगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, Why H3PO4 is tri-basic? आप स्ट्रक्चर बनाएंगे और रीजन लिखेंगे, because it contains 3 POH bond. 3 POH, जितना OH, याद रखो, नंबर ऑफ OH जितना होगा वो नंबर ऑफ H+ के बराबर होगा। ये रूल सही है ऑक्सीएसिड में। ऑक्सीएसिड में कितना H+ रिलीज होगा वो हाइड्रोजन पर डिपेंड नहीं करेगा। हम यहां नहीं कहेंगे 3 हाइड्रोजन है तो डायरेक्ट कहेंगे 3H+, नहीं, हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ऑक्सीएसिड में। कोई भी, हम लोग रटे हुए H2SO4, सबसे पूछिए स्टूडेंट से, H2SO4 कितना H+ रिलीज करेगा? 2। पूछेगा क्यों, तो कहेगा 2 हाइड्रोजन है। गलत कंसेप्ट है ये। ऑक्सीएसिड में नंबर ऑफ H+ डिपेंड करता है OH पर। अरे बोलिए हाँ या ना, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, इनऑर्गेनिक अच्छे से पढ़िए। यहाँ देखिए, आपसे एग्जामिनर स्कूल लेवल में पूछेगा Why H3PO4 is tri-basic? तो कहिए because, स्ट्रक्चर बनाइएगा, देखा because it contains 3 POH, 3 POH है इसलिए 3H+ रिलीज करेगा, 3H+ रिलीज करेगा तो ट्राइप्रोटिक होगा, या उसी को दूसरे नाम में ट्राइबेसिक कहेंगे। तो बताओ सारे लोग मिलकर, ऑक्सी एसिड में कितना H+ रिलीज होगा वो हाइड्रोजन पर डिपेंड करेगा कि OH पर? कोई पूछे H3PO4 3H+ रिलीज करता है हाइड्रोजन की वजह से कि OH की वजह से? चलिए लिखिए सारे लोग, यहाँ तक बहुत बेहतरीन सब लोग लिखिए, बहुत अच्छे। सबको समझ में आया हाँ या ना? यस सर। यस सर। अरे बोलिए बोलिए, अच्छे से आया? ओ माय गॉड,
बोलिए सबको समझ में। सानिया खान कुछ आ रहा है? हेलो सानिया खान, हाय हेलो, हाउ आर यू? समझ में आ रहा है आपको? सानिया खान, नॉट सानिया अनवर, सानिया, ए लॉट ऑफ सानिया इन दिस बैच, सानिया खान, सानिया अफजल, सानिया अनवर, ए लॉट ऑफ सानिया हियर। सानिया अनवर आवाज आ रही है? सानिया खान आवाज आ रही है? सानिया खान ये बोल yes, क्यों आ रही है? तो बोलिए ना बिहारन, बोलिए ना, आ रही है, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, हाँ ठीक हो गया मोबाइल आपका? यस सर। ओके ओके, मेरे पास पैसा अगर ज्यादा होता तो मैं गिफ्ट भेज देता मोबाइल, पैसे ही नहीं है इस साल मेरे पास। शुक्रिया। हाँ शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। लिख लिया सारे लोग? यस सर। को कोई डाउट है? रहीमा फरहीन? नो सर। थैंक यू। अब आइए सेकंड पॉइंट पर, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा नहीं। एक वर्ड आता है पाइरोफॉस्फोरिक एसिड, लिखना मना है, समझिए। यहां पर पाइरो फॉस्फोरस एसिड, सुनिए, फॉस्फोरिक एसिड। मैं एक तरीका है कि फॉर्मूला याद कर लीजिए, नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रीफिक्स पायरो के लिए कैसे होता है, गौर से सुनो। प्रीफिक्स पायरो के लिए पहली कंडीशन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ग्रेटर देन टू हो, और अगर है तो याद रखो पायरो इज ऑब्टेन्ड बाय, पहले सुनो, लैंग्वेज को लिखना मत कर, लिखना मत, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम, ये सब ट्रिक्स याद रखो, टू पैरेंट एसिड जैसे H3। पहले बताओ फॉस्फोरिक एसिड है या पैरेंट एसिड, बताओ सारे लोग, पैरेंट एसिड कौन है? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4। देखो दो से मल्टीप्लाइड करो, एक वाटर हटा दो, तुम्हारा बन जाएगा फॉर्मूला H4P2O7। अब ये डायरेक्ट याद कर लो, लेकिन इनऑर्गेनिक में पायरो का ये जनरल कंसेप्ट याद रखो। तो जैसे कोई कहे पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, आपको याद नहीं है, रफ में सल्फ्यूरिक एसिड लिखो, दो से मल्टीप्लाइड करो, वाटर हटा दो, H2S2O7 बनेगा। एक स्टूडेंट रट लेता है, हो सकता है भूल जाए। तो पायरो ऑब्टेन कहां होता है, पहली कंडीशन कि उसमें दो हाइड्रोजन हो या उससे ज्यादा हो। बताओ क्या नाइट्रिक एसिड में पायरो बन सकता है, हाँ या ना? नहीं। क्या नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? हाइड्रोजन एटलीस्ट दो होना चाहिए। हाँ वेरी गुड। तो कोई भी पूछे, अगर डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, H4P2O7। अब देखो गौर से सुनो, अब और ट्रिक्स याद करो, कितने सेंट्रल एटम है, एक की दो? दो दो। फास्फोरस का ऑक्सी एसिड है कि सल्फर का? फास्फोरस। तो क्या ट्रिक्स दिया था, दो सेंट्रल, बातचीत नहीं, दो सेंट्रल, ऑक्सीजन ऑड, तो POP। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। और दूसरा ट्रिक्स, हाँ दूसरा ट्रिक, जब फास्फोरस का ऑक्सी एसिड है तो पहला काम एक डबल बॉन्ड ओ एक OH दे देंगे, एक डबल बॉन्ड ओ एक OH दे देंगे। अब आपके पास इसमें एक बॉन्ड बचा, इसमें भी एक बॉन्ड बचा, अब बचे खुचे को लिख देंगे, बताओ कितना, दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, दिस इज स्टाइल, कहाँ रटने की जरूरत पड़ी? तो आप देखो इस साल के जी मेंस का क्वेश्चन यही था, इस साल जी मेंस में कल परसों आया है, क्या पूछा था मैं बताता हूँ, इसने पूछा बताओ हाउ मेनी पीओपी,
हाउ पीओपी कितने हैं वन, हाउ मेनी पी डबल बॉन्ड ओ दो, हाउ मेनी पीओएच बॉन्ड तो बताओ कितने पीओएच बॉन्ड फोर, अरे बोलो हाँ या ना, यस सर, यस सर, बताओ सारे लोग जितने ओएच उतने एच प्लस, इसलिए एग्जामिनर पूछेगा इट इज टेट्रा बेसिक टेट्रा प्रोटिक। अब मैं रीजन नहीं लिखाऊंगा, रीजन एक में लिखवा चुका हूँ विच इज कॉल्ड थ्री पीओएच, यहाँ कहना चार पीओएच, तो ऐसे ही ऑप्शन जी मेंस में यही क्वेश्चन था, इस तरह पी डबल बॉन्ड और पीओएच ऑप्शन दिया हुआ था टू थ्री वन, इस तरह का चार ऑप्शन था। तो स्ट्रक्चर पर भी क्वेश्चन आते हैं, स्कूल लेवल पर भी, कॉम्पिटिशन पर भी, तो प्लीज एंड प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है स्ट्रक्चर और असाइनमेंट आप करके भेजें। अब लोन पेयर तो आराम से दे सकते हो, दो लोन पेयर ऑक्सीजन पर तो होता ही है, अब ऑक्सीजन का सीख लिए दो लोन पेयर, हाँ या ना जल्दी बोलो, यस सर, यस सर, इससे आपका टाइम बचा, इस तरह देख लेंगे, चले लिखे, थैंक यू वेरी मच। हाँ बोलिए, लिख लिया आप लोगों ने हाँ या ना, नो सर, तो पायरो का कंसेप्ट, हाँ पायरो का कंसेप्ट सबको समझ में आया, पायरो कैसे ऑब्टेंड होता है, यस सर, थैंक यू। हाँ सारे लोगों ने लिख लिया, सारा अजीज, अरे किसकी आवाज आ रहा है भाई, यस सर, हाँ आगे बढ़े, जल्दी बताओ यार, तुम लोग बहुत लेट से लिखते हो, यस सर, यस सर, थैंक यू। तीसरा है हाइपो, अच्छा एक मिनट, यस, अरे कौन बोल रहा है भाई, पायरो फास्फोरस, तो बताओ यहाँ पर पेरेंट एसिड कौन है, फास्फोरस है कि, अच्छा एक मिनट सुनो लिखना मत, पहले मैं इसी को ड्रॉ कर देता हूँ, फास्फोरस एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO3। अब जब बताओ किसका ऑक्सी एसिड है फास्फोरस का, तो बताओ पहला काम पी डबल बॉन्ड ओ एक OH ड्रॉ कर देंगे, हाँ बोलो बोलो क्या बोले, हाँ बोलो ना क्या डाउट है जल्दी बोलो,
अरे कौन बीच में बोला? खुर्रम तुम बोल रहे थे, जल्दी बोलो। H3PO4 नहीं है रे गुंडा, यहाँ फास्फोरस है। फास्फोरस है हाँ सर। हाँ तो लबर लबर मत बोला करो मेरी क्लास में, बिहारी है क्या? टीचर को डिस्टर्ब करता है, जानता नहीं बैसा सर को पंगा ले रहा है मुझसे। यहाँ देखो सारे लोग, फास्फोरस एसिड दो, बोथ आर अलग, बोथ आर डिफरेंट, फास्फोरिक। और ये कौन सा एसिड है सारे लोग बोलो? फास्फोरस। अच्छा अब बताओ सारे लोग मिलके बताओ, दो ऑक्सीजन खत्म, एक ऑक्सीजन बचा, दो एच बचा, हाँ या ना? यस सर। तो देखो एक ओ एच हो जाएगा, एक एच हो जाएगा, इसीलिए तो कहा गया कि तमाम ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन तीन है तो तीन ओ एच होगा, एक्सेप्ट फास्फोरस को छोड़कर। देखो तीन हाइड्रोजन है, दो ओ एच है कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। हाँ तो फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में सतर्क रहेंगे। अब बताओ कितना H प्लस देगा ये? दो। दो, हाँ, इट इज डाइबेसिक या डाइप्रोटिक। क्यों डाइप्रोटिक है बोलो, हाँ या ना? क्योंकि दो H है इसमें। हाँ बिकॉज इट कंटेन्स टू POH बॉन्ड। और समझ रहे हो ना, हाँ या ना? जल्दी बोलो। yes, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ इसीलिए आप सारा पॉइंट सही हो रहा। अगर H2SO4 देता ना तो तुम डायरेक्ट दो OH ड्रॉ कर दो, बाकी ऑक्सीजन को जोड़ो, जितना हाइड्रोजन उतना OH। लेकिन फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में ऐसा नहीं है, पहले उसमें P डबल बॉन्ड हो, एक OH ड्रॉ करो, बाकी बचे खुचे को लिखो। सबको अच्छे से समझो। दो लोन पेयर बताओ, दिखने में तीन हाइड्रोजन है लेकिन दो ही एच प्लस रिलीज करेगा ये। सबको समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। यस सर। गुड गुड गुड। अरे सारा अजीज समझ में आ रहा? सारा अजीज यस सर। हाँ बोलिए। वेरी गुड सर। हाँ ठीक है, आवाज आ गई आपकी साइंटिस्ट। नुजहत न्याज आज आपको अच्छे से आ रहा होगा कंप्लीटली। यस सर। ओह माय गॉड, लिख लिया सारे लोग? यस सर। फोर्थ है, देखो आप लिखना मत, सुनो, पायरो फास्फोरस। अब आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो बताओ यहाँ पेरेंट एसिड कौन है, फास्फोरिक है कि फास्फोरस है? फास्फोरस। तो तुमको मैंने क्या सिखाया कि दो से ज्यादा हाइड्रोजन है, दो या दो से मल्टीप्लाइड करो, एक वाटर हटाओ, जो बचा खुचा रहे H4P2O5 H4P2O5। तो बताओ पायरोफास्फोरस एसिड का फॉर्मूला H4P2O5। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सर अपने आप रटना नहीं है यार। अच्छा देखो समझ के याद हो जाए तो अच्छी बात है, कभी भूल जाओ तो तुम्हें तरीका भी मालूम होना चाहिए कि पायरो कैसे बनाते हैं। अब स्ट्रक्चर बताओ, कितने सेंट्रल एटम? ऑक्सीजन ऑड नंबर में, तो क्या कहोगे? पीओपी। हाँ, और चूंकि फास्फोरस का ऑक्सी एसिड है तो पहले एक डबल बॉन्ड ओ, एक ओएच लगा देंगे। देखो पूरा, रिवाइज हो रहा है कि नहीं कंसेप्ट? डबल बॉन्ड, हाँ ओएच, एक बॉन्ड। अब देखो ऑक्सीजन का मामला खत्म, हाइड्रोजन बचा हुआ, देखो इसमें भी चार हाइड्रोजन है लेकिन ये भी बिहारी डाइबेसिक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हाँ या ना? यस सर। दिखने में चार लग रहा है लेकिन ऑक्सी एसिड में याद रखो हाइड्रोजन एच प्लस नहीं देता है, ओ एच एच प्लस देता है। अरे रहीमा बताइए आ रहा है कि नहीं? जी सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड गुड।
हाँ बोलिए, सबको अच्छे से आ रहा है समझ में? जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। आगे बढ़े, लिख लिया? यस सर। यस सर डन। गुड, बहुत अच्छे। अब आइए, कितने स्ट्रक्चर हो गए? तीन। कौन बोला रे बिहारी? चार होगा रे गुंडा कहीं। हो गया। फाइव। हाँ आप सुनो, बहुत बोलता है रे। यहाँ देखो, अब आओ हाइपो की मीनिंग। हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। अब हाइपो को कैसे याद करोगे, गौर से सुनो, ध्यान दो। देखो, अगर इन इक फॉर्म, कौन सा फॉर्म जल्दी बताओ? इक फॉर्म। देखो इक है ना, फॉस्फोरिक, सल्फ्यूरिक, बोरिक, इक जिसमें आ जाए, क्या आ जाए बोलो? इक। हाँ, एक फॉर्म। तो एक फॉर्म में हाइपो इज ऑब्टेन्ड बाय, गौर से सुनो, हाइपो हमेशा ऑक्सीजन के रिमूवल से बनेगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वन ऑक्सीजन। किससे रिमूव करना है, गौर से सुनो, फ्रॉम पाइरोफॉर्म। इसका पाइरोफॉर्म अभी तुम पढ़े थे, ध्यान दो, H3PO4 है रफ में, दो H3PO4 से एक वाटर हटाओगे तो अभी पढ़े ना कि पाइरोफॉर्म बनेगा, क्लियर? अब इसमें से एक ऑक्सीजन हटा दो तो क्या बन जाएगा, H4P2O6। तो याद रखो, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H4P2O6। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। एक मिनट लिखना, एक मिनट लिखना मत प्लीज, यहाँ सुनो अच्छे से। हाइपो के लिए दो केस याद रखना है। हाइपो देखो इक है कि अस है, अस अस ए ओ यू एस, अस फॉस्फोरस सल्फ्यूरस नाइट्रस, तो वो अलग फॉर्म हुआ। इक हाइपो जब भी बनाना हो, डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर भूल गए, ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा व्हाट इज हाइपो, ये सब याद करने का ट्रिक्स बताया जा रहा है कि आपको हाइपो फॉस्फोरिक एसिड कैसे याद रखना है। अब देखो सारे लोग, कितने H, अभी लिखना मत, मैं स्लाइड दिखा दूंगा, बताओ कितने फास्फोरस? दो। ऑक्सीजन इवन में है कि ऑड में है? इवन। इवन। इवन में। पी सिंगल बॉन्ड पी। जब भी फास्फोरस का ऑक्सी एसिड हो तो पहले एक डबल बॉन्ड ओ, एक ओएच दे देंगे। हम डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि हाइड्रोजन चार है तो चार ओएच होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पहला काम ये करेंगे। अब एक बॉन्ड खाली, एक बॉन्ड खाली, तो बताओ चार ऑक्सीजन हो गए तो दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन खाली है, दिस इज स्टाइल, यू नो। इसमें पी डबल बॉन्ड ओ कितना है, तो पी सिंगल पी ओ पी बॉन्ड कितना है, कुछ भी नहीं है। पी पी बॉन्ड कितना है, वन, यही सब पूछता है एग्जाम में। पी ओ एच बॉन्ड कितना है, चार है। बताओ ये टेट्रा बेसिक है कि टेट्रा प्रोटिक है, डाई बेसिक है, जल्दी बताओ। टेट्रा जल्दी लिखिए, पढ़ते भी रहिए, गुरु दक्षिणा देते रहिए, गुरु दक्षिणा प्रोवाइड द स्टेबिलिटी, और अच्छा पढ़ाऊंगा मैं। ओके, सब लोग सुन रहे हैं ना मेरी आवाज? यस सर। लिख लिया, जल्दी करें भाई। अच्छा सॉरी फॉर डैट, सॉरी फॉर डैट, जल्दी।
ओके तो इनऑर्गेनिक में मजा आ रहा है पढ़ने में सबको, हाँ या ना, सच सच बोलना, झूठ मत बोलना, शाम का टाइम है वरना बद्दुआ दे दूंगा मैं दरूद शरीफ पढ़ के, जल्दी बोलो। हर दिन पढ़ना, हर दिन पढ़ते रहना एकदम, ना भी मन लगे, हर दिन आधा घंटा इनऑर्गेनिक को एकदम रगड़ते रहो, आधा घंटा पीछे से फिजिकल की प्रैक्टिस करते रहो कि जब चैप्टर खत्म हो तो तुम्हें एहसास हो, या जनवरी फरवरी मार्च में जब एग्जाम होगा उसमें तुम्हें लगे हाँ भाई एक चैप्टर को खत्म करने में एक घंटा का टारगेट रखो रिवीजन करने में, इतना पढ़ लो, उसी को 10-10 दफा पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो, रफ पेपर को डागो, समझो, असाइनमेंट दिया जाए उसको सीरियसली करके भेजो एकदम, उससे तुम्हें अपने कमी का पता चलेगा। चलो बताओ आगे बढ़े, बताओ सारे लोग लिख लिए ये वाला स्लाइड? नो सर। अरे सानिया खान आ रहा है, साइंटिस्ट सानिया अनवर, सानिया अनवर को आ रहा है, सानिया अनवर यस सर आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत तेज है आप, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ें। जी सर। चलिए स्लाइड लिखिए। बोलिए सारे लोग, लिख लिया? यस सर। आगे बढ़े, जल्दी बोलिए, लिख लिया? नो सर। जो स्ट्रक्चर का रूल सिखाया गया देखिए, आप एक दफा पढ़ा दिया, अब प्रैक्टिस हो रही है आपकी, मिटा दूं? डन सर। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आ देखें सारे लोग, तो पांच स्ट्रक्चर हो चुका था ना? हाँ पांच हो चुका। आप देखिए छठा देखिए, सारे लोग सुनिए। अरे नुजहत समझ में आ रहा है? नुजहत यस सर। अब एक स्टूडेंट है खुर्रम नाम का, वो चिल्लाएगा, बताओ ये अस फॉर्म है कि इक फॉर्म है? अस अस अस। हाँ अस फॉर्म। सुनो अस फॉर्म में कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। देखो इधर, इन अस फॉर्म हाइपो इज ऑब्टेंड बाय, सुनो अच्छे से पहले, लिखना मत, लिखने में टाइम तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। हाइपो इज ऑब्टेंड बाय ऑक्सीजन, इसमें भी है, पहले एकदम दिमाग में रख लो, हाइपो बनता ऑक्सीजन के रिमूवल के बाद, चार दफा अपने माइंड में सोचो, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दोनों लाइन देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन उसमें भी था, रिमूवल हाइपो में हमेशा ऑक्सीजन रिमूव होगा, लेकिन यहाँ पर बोलना है फ्रॉम पेरेंटेसिड, किससे? बोलो बोलो किससे? ऑक्सीजन किससे निकाले थे? पायरोफॉर्म। अब बताओ पेरेंट एसिड कौन है? H3PO3, और H3PO3 से एक ऑक्सीजन बिहारी से निकालो तो क्या बन जाएगा? H3PO2। अब इसको रटना नहीं, अब देखो इसका दूसरा नाम भी याद रखो, स्टूडेंट से दूसरा नाम पूछा जाए, जैसे घर में दो नाम होता है, हाइपो इसका दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स को ध्यान ही नहीं देते हैं, फॉस्फीनिक, फॉस्फीनिक एसिड, हाइपो तो है उसका दूसरा नाम क्या, जल्दी बोलो
अब देखो S3PO2 फास्फोरस का ऑक्सीसिड है, पहले बताओ P डबल बॉन्ड हो एक OH दे देंगे और दो बॉन्ड खाली है आपके पास। अब बताओ S3PO2 जैसे क्या, तो दो ऑक्सीजन खत्म, हाँ या ना? यस सर। बस हाइड्रोजन लगा दो। देखो हाइड्रोजन दिखने में तीन है लेकिन OH कितना आ रहा है बताइए, दो। इसलिए केमिस्ट्री आपसे पूछेगा इट इज मोनोबेसिक मोनोप्रोटिक क्यों? Because it contains one pOH bond. देखा आपने S3PO4, अब देखो मैं कंक्लूड कर रहा हूं, S3PO3 और S3PO2 तीनों में तीन तीन हाइड्रोजन है लेकिन इसमें 3H+, इसमें 2H+, इसमें 1H+. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। क्या साबित हुआ कि फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ OH के बराबर नहीं होता है। फास्फोरस को छोड़ दो, कोई भी रहे, H2SO3 है, बताओ कितने हाइड्रोजन? दो। तो बताओ कितने OH होंगे? दो। 100% बाद तब ऑक्सीजन को लगाओ, जहां भी रहो H2CO3 कितने हाइड्रोजन? दो। OH लगा दो बिहारी के पास, एक ऑक्सीजन लगा देना है। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। H3PO3 कितने हाइड्रोजन? थ्री। कितने OH? अरे तीन हाइड्रोजन तो कितने हुए? थ्री। OH हो गया। फास्फोरस में सतर्क रहना है, फास्फोरस में। अरे बोलिए हाँ या ना? यस सर। कुछ भी पूछे, H4SiO4, बताओ कितने हाइड्रोजन? फोर। तो कितने OH? फोर। Yeah, OH. This is the style, you know? Yes, sir. हो गया, देखिए। Yes, sir. फास्फोरस में सतर्क रहना है, वहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर OH के बराबर नहीं होता। उसके अलावा सब में बिहारी HOH के बराबर होता है। ये सब जानने से क्या होगा, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में आसानी होगी। जैसे कोई पूछे नाइट्रिक एसिड, कितने हाइड्रोजन? तो पहले एक OH ड्रॉ कर दो फिर बाकी बचे को लगा दो। दिस इज ए स्टाइल, यू नो? यस सर। बताओ HClO4 है, बताओ कितने हाइड्रोजन? कितने OH? OH लगा दो, ऑक्सीजन किनारे डबल। ओके यस सर। हो गया, क्या बात है भाई। तो बताओ ये हाइपो का दो मीनिंग, एक फॉर्म में हाइपो इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ वन ऑक्सीजन फ्रॉम पाइरो फॉर्म, अस फॉर्म में हाइपो इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ वन ऑक्सीजन फ्रॉम पेरेंट एसिड। और चलो लिखना शुरू करो। समझ में आ रहा? यस सर। एक डाउट था। हाँ बोलिए साइंटिस्ट। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड सर पाइरोफॉस्फोरिक एसिड से बनता है लेकिन हाइपोफॉस्फोरस एसिड फॉस्फोरस एसिड से बनता है। हाँ वही तो लिखा है, ये रूल है, ये याद करने का तरीका, ये रूल नहीं है, मैंने आपको समझाया है कैसे याद करेंगे। यस दिस इज स्टाइल, यू नो? या ओके। एकदम NDTV रविश कुमार शाम की रिपोर्ट, मैं अच्छा न्यूज देता हूँ भाई। अरे बोलो हाँ या ना? आज तक नहीं मैं अंजना कश्यप, आई एम NDTV रविश कुमार।
सर ऑप्शन दोनों से जाएंगे। हाँ जोर जोर से बोले, क्या पूछ रहे हैं बताइए बताइए सर। लेकिन ऑक्सीजन दोनों में से रिमूवल होंगे। हाँ देखिए, हाइपो बनता ही ऑक्सीजन के रिमूवल से, ठीक है। अरे बोलिए, हाइपो किससे बनता है, बोलिए फिर से। ऑक्सीजन के रिमूवल। तो फर्क ये है, अस फॉर्म होगा तो पैरेंटिसिस निकाल दीजिए, एक फॉर्म होगा तो पायरो बना के पायरो से निकाले, बस छोटी सी बात है। इतना क्या टेंशन है भाई, इतना अच्छा न्यूज है फिर भी टेंशन में आज तक। देखिए, गुरु दक्षिणा दे दीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। उससे क्या होता है, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ये याद रखिएगा। केमिस्ट्री मेरी क्लास में एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुरु दक्षिणा। पैसा समझ रहा ना सब लोग? हाँ लिख लिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे बढ़े तो और मजा आएगा। अभी बहुत में बहाना ना रहा, इसकी कोई समझाने वाला नहीं था। अरे बोलिए कुछ तो बोलिए। Yes, sir. हाँ आगे बढ़े, लिख लिया। Yes, sir. Yes, sir. अरे सवाले हाँ को समझ में आ रहा है, सवाले आज नहीं आई है, इनको मैं बताता हूँ, रुकिए। निदा, निदा को आया, निदा हसन। Yes, sir. फायका अजीज। Yes, sir. Only फायका। Yes, sir. हाँ yes, sir. अच्छा डीपी जो, आपका जो व्हाट्सएप का डीपी, उसमें वो आप ही हैं क्या? नो सर। अच्छा मैं समझा, इतना स्टाइलिश कैसे हो सकती हैं आप। चलिए आगे बढ़े सारे लोग। चलिए अब सातवां जो है मेटा, अल्लाह अकबर, मेटा, मेटा का वर्ड आप सीखेंगे, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अरे बोलिए ना। यस सर। अच्छा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ओके ओके। तो देखो मेटा जो है ना कैसे ऑब्टेन होता है वो मैं आपको ट्रिक्स दे देता हूँ। एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि फीस कहाँ पेमेंट करना, फीस के नाम से मुझे बहुत खुजली होने लगती है, ना जाने क्यों मैं मैसेज दे देता हूँ बेचारे को। हाँ भेज दिया मैसेज, ओके। हाँ यहाँ देखें, यहाँ देखें, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अरे आप लोगों को बुरा तो नहीं लगता मैं मजाक फीस के बारे में करता हूँ तो? बिल्कुल नहीं। हाँ मेरा काम है हसाना मसाना, पैसे के बारे में बोलना, कोई बात नहीं है, बुरा नहीं लगना चाहिए, हर टीचर का अपना अपना स्टाइल होता है पढ़ाने का। यहाँ देखें भाई, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, सारे लोग सुनो, अब हम तुम्हें मेटा के बारे में सिखाते हैं। मेटा, अरे सारा अजीज आपको तो बुरा नहीं लगा? नो सर। आप आसाम की हैं? यस सर। हाँ मुझे आज ही मालूम हुआ कि आसाम की एक स्टूडेंट है, हमने कहा मुझे मालूम नहीं, मैं मालूम करता हूँ। चलिए प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मेटा, तो आप आसाम में है कि दिल्ली में है? अभी हम अपने चाचा के घर आए हुए। कहाँ, वेयर सर? उनके घर पे। अरे कहाँ, दिल्ली आसाम बिहार यूपी, ये पूछ रहा हूँ। दार्जिलिंग में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बोले चाचा, अरे मैं कहां, वेयर वेयर वेयर। चलिए कोई बात नहीं है, ओके ओके ठीक है ठीक है। आप चाचू क्या रही है, चाचू है, चाचू, चाचू की शादी हो गई? यस सर। चलिए चाची से बच के रहिएगा। मेटा इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, सारे लोग ध्यान दीजिए, वन वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम, सारे लोग सुनिए, वन वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम
वन मॉलिक्यूल ऑफ पेरेंट एसिड। और से सुनिए, पायरो, पायरो में पायरो भी कैसे बनता है वाटर को रिमूव होने के बाद। मेटा, मेटा एक पेरेंट मॉलिक्यूल से वाटर हटाओगे तो मेटा बनेगा, और दो मॉलिक्यूल ऑफ पेरेंट से वाटर हटाओगे तो पायरो बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस। अरे कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, बोलिए। मेटा इज ऑब्टेंड बाय रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ पेरेंट एसिड। ओके। यस सर। अच्छा, इसमें बहुत कांसेप्ट आएगा, सुनो, इधर लिखना मत, सुनो अच्छे से इसको, 5 मिनट टाइम दो इधर। मान लो H3PO4 है, एक वाटर हटाए, क्या बना? HPO3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हां या नो? यस सर। तो यही हो गया मेटा फास्फोरिक फास्फोरिक एसिड। H3PO3 एक वाटर हटा दो, HBO2, इसी को कहेंगे मेटा बोरिक एसिड। अच्छा आप बताओ, H2SO4, और से सुनो, इसमें से वाटर हटाए तो SO3 बनेगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। मेटा, अब ये मेटा फॉर्म नहीं, मेटा बनाने का कंडीशन, वाटर हटाने के बाद एटलीस्ट एक हाइड्रोजन उसमें रहना चाहिए, अगर यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो इसको कहेंगे अनहाइड्रस, अनहाइड्रस, अनहाइड्रस। इसको इसलिए केमिस्ट्री ने मेटा सल्फ्यूरिक एसिड डज नॉट एग्जिस्ट, वाटर रिमूवल के बाद एटलीस्ट उसमें एक हाइड्रोजन होना चाहिए। बोलो, समझ में आया? यस सर। अरे बोलो भाई, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाँ, मेटा कैसे बनता है? रिमूवल ऑफ वन वाटर से, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए बताओ सारे लोग? एटलीस्ट वन हाइड्रोजन। हाँ, बहुत बेहतरीन, इससे ये साबित हो गया। और दूसरा मैं और ट्रिक्स बता देता हूँ, यहाँ पर लिख ही देता हूँ मैं, फॉर मेटा के लिए, क्या मैं बताऊँ आपको, फॉर मेटा के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब बातें खत्म हो गई, सल्फ्यूरिक एसिड में बताओ क्या मेटा एग्जिस्ट करेगा, बोलो हाँ या ना? अरे नो नो नो, उसका रीजन भी बता दिया मैंने। देखो 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 देखो, SO3 इसको तो सल्फर ट्राइऑक्साइड कहते हैं, मेटा सल्फ्यूरिक थोड़ी ना कहते हैं, तो उसका रूल बन गया हाइड्रोजन 3 होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अच्छा बताओ, क्या मेटा नाइट्रिक एसिड पॉसिबल है? नो 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 सर। क्यों क्यों हाइड्रोजन 3 नहीं है? अरे बोलिए ना, हाँ या ना? यस सर। यस सर। इसमें इसमें मेटा मेटा फॉर्म इसमें पॉसिबल है? यस सर। यस सर। है है हाँ है, वेरी गुड, है 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 है, बताओ इसमें मेटा पॉसिबल है? बोलो बोलो। यस सर। 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 गुड गुड गुड, सबको मेटा कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। अच्छा पहले ये लाइन लिख लो, पहले यहाँ लाइन लिखो, जल्दी से लिखो, पहले जल्दी लिखो, हर दिन पढ़ो, हर दिन पढ़ो, हर दिन प्लीज। अरे रहीमा फरहीन, आ रहा है कुछ आपको समझ में? यस सर। हाँ गुड 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 गुड, मेरा नाम जानती है ना आप? यस सर। बताइए, व्हाट इज माय नेम? इम्बिसाद सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, केमिस्ट्री में मीनिंग होती है एक ट्रांसफर फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, प्रोडक्ट आई एम बेस्ट, दैट इज द प्रोडक्ट आल्सो। टॉपिक केमिस्ट्री की कॉपी जो बनाती है ना, पहले पेज पर इम्बिसाद की इसी तरह मिलकर अच्छे से खूबसूरत ये नाम लिखिए आप, अंडर द गाइडेंस ऑफ इम्बिसाद सर, और उसके नीचे फिर रिएक्शन लिखिए केमिस्ट्री नोट्स से सब फर्स्ट पेज पर। ओके ओके सर, मोस्ट इंपोर्टेंट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, अभी तो देख आप, देखिए बहुत मजा आएगा ना, जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते रहिएगा ना, केमिस्ट्री में बहुत मजा आएगा, इससे अच्छा और ऑर्गेनिक आपको लगेगा। अब देखिए, फिजिकल भी अच्छा पढ़ाया, इनऑर्गेनिक भी पढ़ा रहा हूँ तो आपको लग रहा है इनऑर्गेनिक ज्यादा अच्छा लग रहा है, और ऑर्गेनिक जाऊंगा तो अल्लाह अक्षय कुमार का डांस होगा, बहुत जबरदस्त डांस अंदाज में पढ़ाया जाएगा आपको, बस आप लोग पर डे पढ़ते रहें, खूब मेहनत करें तो केमिस्ट्री और आसान लगेगी आपको। निकलिया सारे लोग, अब बता रहा हूँ, और से सुनो,
H3PO3 एस मेटाफॉस्फोरिक है, देखो लिखना मत, वाटर हटाए तो क्या बनेगा H3PO3, इसी को क्या कहते हैं, हाँ इसी को क्या कहते हैं जल्दी बताओ, मेटाफॉस्फोरिक। अब सुनो लिखना मत प्लीज सुनो, केमिस्ट्री कहता है ये बिहारी एक एच है, तो देखो गौर से सुनो इट, अच्छा बताओ इट का मतलब कौन, व्हाट डज मीन इट का मतलब कौन है यहाँ पर, अरे इंग्लिश अच्छी नहीं, इट का मतलब क्या है, हाँ मेटाफॉस्फोरिक एसिड, अरे बोलना इट का मतलब मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब देखो लाइन पर गौर से सुनो, लिखना मत इट जनरली एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म, कौन सा फॉर्म, पॉलीमेरिक, हाँ बहुत सारी ऐसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एन टाइम्स या अकेला, क्योंकि एक वाटर हटा ना तो बिहारी अनस्टेबल हो गया, बिहारी अकेला सही से नहीं पाया जाएगा, अकेले में बिहारी के अंदर बहुत नुचनी होगी, नुचनी कहेगा नहीं 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 हम ऐसे नहीं रहेंगे ना, हम ज्वाइन करना चाहेंगे, हम पड़ोसियों के साथ रहना पसंद करेंगे, इट जनरली एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म बट नॉट मोनो 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 मोनो, एक अकेला 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 मोनिक पॉलीफॉर्म में रहना पसंद नहीं करेगा, तो गौर से सुनो अच्छे से लिखना मत। अब इसका जो स्ट्रक्चर, अरे पैरेंट एसिड है पीआरएनटी, पैरेंट माने वालदैन होता है, ये पूछ रहे हैं उस्मान खान, ये इंग्लिश समझ रही है बिहारन हैं, ये हमको इंग्लिश से महा सिखा रही हैं, अरे पैरेंट सही लिख रहा हूं ना मैं कि गलत लिख रहा हूं मैं, पैरेंट की स्पेलिंग गलत ये गलत है, गलत गलत ये आएगा सर, आर के पास ये आएगा बस, आर के साथ ये, अच्छा वालदैन की स्पेलिंग कौन सी होती है, कौन नीचे वाली ना, अरे बोले ये नीचे वाली होती है ना, यस सर, यस सर, इसमें इसमें पैरेंट होगा भाई, ए होगा, ये पैरेंट एसिड का मतलब होता है जिससे वो मिलकर बना, ये लिखें आरएनटी हमको सिखा रही है उस्मान खान, इंग्लिश सिखा रही है, पैरेंट लिख रही है, चले चलो आगे बढ़े जल्दी बताओ, यहाँ तक देखो इट जनरली एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म, आप सुनो अच्छे से, चलो ये लाइन लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो, हाँ लिख लिया जल्दी बोले, यस सर, यस सर, अच्छा आप देखो, यस, तो HPO3 जब ट्राइमर हो जाएगा 3 times ट्राइमर, तो इसका इसका जो होगा H3P3O9 क्या बन जाएगा बताओ, इसको कहते हैं साइक्लो ट्राई 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 मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, पहले लिखो इसी का स्ट्रक्चर आपको सिलेबस में पढ़ना है, जल्दी लिखें सारे H3P3O9। लिख लिया? Yes, sir. चलो आप सुनो अच्छे से, अब तक हमने आपको 2 central atom का स्ट्रक्चर सिखाया, गौर से सुनो, बहुत शॉर्ट फॉर्म में एक चीज मैं समझा देता हूं,
कंडीशन फॉर साइक्लिक का मतलब होता है क्लोरोफिल, साइक्लिक स्ट्रक्चर इन ऑक्सीएसिड, किसमें? अरे बोलो ना किसमें? ऑक्सीएसिड में साइक्लिक स्ट्रक्चर आप कैसे, तो दोहर से सुनो। पहली कंडीशन ये है मोर देन टू सेंट्रल एटम हो, कितना सेंट्रल एटम हो जल्दी बताओ, मोर देन टू। हाँ अब देखो देयर इज कॉमन इंटीजर बिटवीन सेंट्रल, यानी देयर इज कॉमन इंटीजर, एक मिनट, कॉमन इंटीजर कॉमन समझते हो ना, जैसे देखो देयर इज कॉमन इंटीजर इन द मॉलिक्यूल, तो वहां साइक्लिक कंपाउंड बनेगा जैसे मैं तुम्हें बताता हूं। बताओ सारे लोग H3P3O9, बताओ कितने सेंट्रल एटम है, दो या दो से ज्यादा, जल्दी बताओ। दो से ज्यादा। अब बताओ कॉमन इंटीजर है 333, कॉमन इंटीजर है इसमें? यस सर। ओ समझ जाओ क्लोज चेन बनेगा, तो पी है तो पहले एकदम ड्रॉ कर दो, पी ओ पी, दिस इज स्टाइल। फास्फोरस का ऑक्सीसिड है तो डबल बॉन्ड OH, कोई रटने की जरूरत नहीं, डबल बॉन्ड OH देखो अपने आप बन गया, दिस इज स्टाइल। बताओ ऑक्सीजन 9 नहीं हो गए? अरे बोलिए हाँ या ना, अरे बोलिए ना। तो कोई केमिस्ट्री में हर चीज का कंसेप्ट है, देखो अच्छे से पढ़ाने वाला चाहिए, यहाँ देखो सारे लोग प्लीज, ये मैं तो सब 11 में पढ़ा चुका हूँ, बोरिक एसिड का मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, वहां ये कंडीशन लिखवाया था। अब देखो यहाँ सारे लोग, जैसे तुम्हें कोई कहे H3O9, बताओ कितने सल्फर? बताओ कॉमन इंटीजर है हाँ या ना? Yes, sir. तो तुम समझ जाओ क्लोज चेन बनेगा, SOS, पहले इस तरह ड्रॉ कर दो, SOS। ऑक्सीजन किनारे डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन किनारे डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन किनारे डबल बॉन्ड हो, दिस इज स्टाइल, यू नो, अरे यू नो, या कोई रटना, बहुत सारे को रट के प्रैक्टिस करते, नहीं भाई सबका कंसेप्ट है, यहाँ देखें भाई मैं क्या बताऊं, बहुत मोटी मोटी बुक में पढ़ता हूँ, यहाँ देखें भाई, इधर देखो और से सुनो अच्छे से। अब देखो एक मिनट सारे लोग ध्यान दो, अगर आपके पास पूछा जाए Se4O12, बताओ सेलेनियम की दो से ज्यादा है? कॉमन इंटीजर है, कॉमन इंटीजर है, कहाँ रटना है भाई, बोलो आया सबको? आप जैसे देखो 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 बहुत मजा आएगा भाई मैं क्या बताऊँ, यही तो स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओनली ट्रिक्स, ट्रिक्स रिमेंबर, TTR, मैं क्या बताऊं, यहाँ देखो P4O10, बताओ क्या कॉमन, बताओ दो से ज्यादा सल्फर है? हाँ सर। सॉरी सॉरी फास्फोरस, हाँ कॉमन इंटीजर होगा इसमें, कॉमन इंटीजर है, यस सर। बताओ POP, डबल बॉन्ड, अब बताओ कितने ऑप्शन हो गए, 8 हो गए? अरे बोलो, अरे म्यूट कर लो, जहां जान की आवाज आ रही है म्यूट कर लो, हाँ बताओ सारे लोग, अब ऑक्सीजन की जगह खाली कहाँ, दिस इज स्टाइल, अल्लाह कितना स्टाइल हो गया भाई, अब यही के बीच में जाएगा, अरे बोलिए हाँ या ना? न्यू स्टाइल। अच्छा अब बताओ, याद होगा तुम्हें एक मिनट 11th के रिडॉक्स रिएक्शन में ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, सारे लोग बोलो इसका तुम लोग बताना साइक्लिक होगा या नहीं, C3O2, बताओ कार्बन दो से ज्यादा है? अरे बोलो यार हाँ या ना? यस सर। और बताओ क्या कॉमन इंटीजर है? यस
तो साइक्लिक कंपाउंड नहीं होगा, सिराते मुस्तकीम बनेगा, सीधा रास्ता। देखो दिस इज स्ट्राइक, नहीं बनेगा। 11th के एनसीईआरटी के बॉक्स में रिडॉक्स रिएक्शन में स्ट्रक्चर है कार्बन सब ऑक्साइड। 11th के एनसीईआरटी देखिएगा, मैंने आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया है। आई नो, जैसे मैं आपको सिखाता हूँ, देखिए केमिस्ट्री में सबका कंसेप्ट जो मैंने बताया ना आपको, साइक्लिक। देखिए B3O9 बताओ कितना बोरो, नहीं सॉरी सॉरी एक मिनट, हाँ देखो B3O8 बताओ ब्रोमीन कितने हैं, ब्रोमीन दो से ज्यादा है, हाँ या ना? यस सर। कॉमन इंटीजर है, कॉमन इंटीजर है? नो सर। क्या साइक्लिक होगा? नहीं नो सर। सिराते मुस्तकीम ऑक्सीजन ऑक्सीजन किनारे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन किनारे। अल्लाह कितना भाई इजी है यार, बताओ आया समझ में? यस सर। दिस इज स्टाइल यू नो। चलो अब मैं पूरा सिखा दिया ना, देखो तीनों दो सेंट्रल एटम का भी सिखा दिया और दो से ज्यादा का भी बता दिया, ये ट्रिक्स याद रखना। अब मैं वही बनाने जा रहा हूँ, उसके बाद यहाँ देखो HPO3 है, 3 times हुआ तो ट्राइमर बना, ट्राइमर और S3P3 यही स्ट्रक्चर आपसे पूछेगा। This is called cyclo-trimetaphosphoric acid. अरे आयशा सुल्तान और आयशा खान हम दोनों का आ रहा है? Yes sir. Yes, हाँ तो आप यहाँ देखिए POP एक मिनट, POP अब टेढ़ा मेरा बना है उससे कोई मतलब नहीं है। मैं ये भी बता देता हूँ, तुम लोग कंफ्यूज रहते हो ना बेकार। देखो एनसीईआरटी में कैसे बनाया जानते हो, बेंजीन की तरह बना दिया। देखो मैं बताता हूँ कैसे बनाया है, उन्होंने यहाँ पी दे दिया, यहाँ ओ दे दिया, यहाँ पी दे दिया, यहाँ पी दे दिया, यहाँ ओ दिया। बताओ बतवा तो बराबर है ना, बताओ बताओ हाँ या ना? तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते कि इन्वेसास सर ने ऐसे बनाया और बुक में ऐसे दिया हुआ सर, ये सही है ये रॉन्ग। अरे जो एग्जाम लगाएगा उसको बतवा दूंगा मैं, बोथ आर करेक्ट। अरे बोले इट इज ट्राई बेसिक, चूंकि तीन OH है ट्राई बेसिक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाँ या ना? यस सर। यस सर। चले पिछला स्लाइड लिखा था आप लोगों ने, ये स्लाइड? यस सर। यस सर। यस लिख लिया था ना शायद? यस सर। यस सर। चलिए ये लिखें, ये लिखें। ओ माय गॉड, जल्दी लिखें। तो देखो मेटा पायरो हाइपो सब की मीनिंग, और एक मीनिंग और आने वाली है, जल्दी लिखो। हाँ बोलो, लिख लिए? Yes sir. Yes sir. Good. सिर्फ सात हो गया, आठ है कि सातवां है? Seven. रन हो रही है सर। क्या लिखा मैंने? हाँ अब सुबह लिखना, दो मिनट सारे लोग स्क्रीन को देखो, लिखना मत, सारे लोग स्क्रीन को देखो, लिखना मत प्लीज। एक तो फॉर
ऑर्थो प्रीफिक्स इज पॉसिबल इन डैट ऑक्सीजन विच हैविंग पॉसिबल मेटाफॉर्म। गौर से सुने इस लैंग्वेज को, ऑर्थो उसी में पॉसिबल होगा जिसमें क्या पॉसिबल होगा, जल्दी बोलो। जैसे पहले पहले हाँ पहले देखो एक मिसाल लो, सारे लोग सुनो, क्या S3PO मेटा के लिए हाइड्रोजन तीन या तीन से ज्यादा होना चाहिए, बताओ क्या S3PO4 में मेटा पॉसिबल है? यस सर। इसमें ऑर्थो भी होगा, देखो अच्छे से सुनो, ऑर्थो भी होगा। S3PO3 में मेटा फॉर्म था? यस सर। इसमें भी ऑर्थो होगा, बताओ। H2SO4 में मेटा फॉर्म था? नो सर। नो सर। नो सर। अरे सही से बोलो, इस बोरिक एसिड में ऑर्थो फॉर्म होगा? यस सर। यस सर। क्यों होगा? इसमें मेटा फॉर्म था। अब सुनो, ये तो क्लियर हो गया, अब सुनो अच्छे से। जब मेटा फॉर्म होगा ना तो इन दैट केस, अब सुनो अच्छे से, ऑर्थो फॉर्म शुड बी इक्वल टू पेरेंट एसिड। अब देख लेना भाई पेरेंट एसिड का स्क्रिप्ट, तुम लोग जानो भाई हमारी इंग्लिश कमजोर है अपना, तुम देख लेना है। उस्मा खान आप देख लीजिएगा, ऑर्थो फॉर्म पेरेंट एसिड के बराबर। तो बताओ ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला वही होगा जो पेरेंट एसिड है, समझ लो। H3PO4 को फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं, और दूसरा नाम क्या जल्दी बताओ? ऑर्थो फॉस्फोरिक। अगर उसमें मेटा फॉर्म पॉसिबल है तो ऑर्थो, अगर नहीं है तो होगा ही नहीं, तो then ortho form is equal to parent acid. Are you getting my point? Yes sir. Yes, structure sir. Structure तो मैंने पहला ही बना ही दिया, है कि नहीं? अरे बोलिए। Yes sir. दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? No sir. हाँ चलो लिख लीजिए इसको, हाँ लिख लीजिए। ओके सानिया अफजल, समझ में आ रहा है सानिया? यस सर। थैंक यू वेरी मच। अरे शीबा रियाज, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। आज रात तक सारे लोग, आप देखिए स्ट्रक्चर मैंने बनवा दिया, अब सारे लोग असाइनमेंट के क्वेश्चन को कर कर रात में 11:30 तक भेजिए, अपना नाम लिख दीजिएगा उसमें। सबकी नजर लग जाएगी ना उधर आइया, उधर से हाँ हाँ ऐसी हैं आप। लिख लिया? यस सर। क्यों हंस रहा है बिहारी, क्यों हंस रहा हूँ? उनकी नजर काली है भाई, नजर लग जाएगी सबको। हाँ लिख लिया बोलो? यस सर। यस सर। यस सर। अब डायरेक्ट बोल दो ऑर्थो फास्फोरस एसिड का फॉर्मूला। H3PO4। अरे H3PO3 सब पागल है रे, अस फॉर्म है ना रे, सब गधे हैं, नशे में है क्या? कौन बोला, कौन बोला H3PO4? फास्फोरस H3PO3। अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। गधे। चलो लिख लें। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। यस सर।
अब देखिए, अब आइए कि सर ऑक्सी एसिड पर स्ट्रक्चर के अलावा आप क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। सारे लोग ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। एक लाइन छोड़कर रिमार्क्स लिखें आप लोग। नंबर वन पॉइंट, नंबर वन पॉइंट है रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H3PO2। H3PO2 का दो नाम है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड और यह दूसरा नाम है फॉस्फिनिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा या ऑब्जेक्टिव में, तो रिड्यूसिंग नेचर दो तरीके से आप साबित कर सकते हैं। आपको कहेगा कि व्हाई H3PO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, एक्सप्लेन विथ स्ट्रक्चर। तो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, गौर से सुने, याद रखिए। कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा, सारे लोग सुनो कि सर ये बात तो आप समझा दिया कि जितना OH होगा उतना H प्लस रिलीज होगा। क्लियर है मेरी बातें सबको? यस सर। लेकिन अगर हाइड्रोजन, ये बात याद रखिए, मैं यहां पर लिख देता हूं, इफ हाइड्रोजन, प्लीज सुनना सारे लोग, इज डायरेक्टली अटैच टू सेंट्रल एटम तो वो H प्लस नहीं रिलीज करता है, देन इट शोज रिड्यूसिंग नेचर। कौन सा नेचर बताओ सारे लोग? एग्जामिनर पूछेगा बोर्ड के एग्जाम में, व्हाई H3PO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, एक्सप्लेन विद स्ट्रक्चर। तो आप उसको लिखेंगे कि इट कंटेन, या पहले मैं ये लाइन लिखूं, इट शोज, लिखना शुरू करें सारे लोग, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर Due to the presence of 2PH bond. Due to the presence of 2PH bond. देखो नेक्स्ट क्लास में अब क्या होगा, बीच में 10 मिनट का ब्रेक होगा मगरिब के जस्ट, आप लोग अपना वजूजू बना के रखेंगे, 10 मिनट का ब्रेक होगा, फिर नमाज के बाद क्लास होगी। ओके ओके सर। बोलिए, लिख लिया सारे लोग? सर। अरे आमिर मुमताज को आ रहा है समझ में, ये रिस्पॉन्स ही नहीं देता आमिर मुमताज, अल्लाह मालूम इसको समझ में आता है कि नहीं आता है, शिकायत मेरी करता हर जगह, अल्लाह मालूम। अरे आमिर मुमताज कुछ तो बोलो यार, लिख लिया? तो याद रखो ऑक्सी एसिड में अगर OH है तो ये क्या देता है, जल्दी बताओ। बेसिक नेचर होता है। अरे हाँ, क्या बोला, क्या बोला बताइए? एसिडिक होगा। बेसिक नहीं, एसिडिक। सर OH के लिए बेसिक होगा, अगर P से डायरेक्ट H होगा तब एसिडिक होगा। नो 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 नो, एक मिनट, रहीमा बोल रही है ना आप? जी सर। यानी कोई कंसेप्ट ही नहीं समझ में आया इसका मतलब, लिखा लिखा कि यहाँ देखें, ये अल्लाह ही तो मेरा, ये एकदम क्या है ये, यहाँ देखें फॉस्फोरिक एसिड का लिखा हो गया यहाँ, बोलिए, इट इज ट्राई बेसिक ट्राइप्रोटिक। ट्राइप्रोटिक का मतलब रिलीजेस एच प्लस, व्हाट डज मीन, और नाम से साबित नहीं है, फॉस्फोरिक एसिड, एसिड खुद लिखा हुआ है, आया समझ में? जी सर। तो भाई
अच्छा आप जो डिफिनेशन पढ़ी है ना उसका भी मतलब मैं समझा दूं। OH बेस होता है कब? जब मेटल के साथ होगा, ये याद रखें। ये लोग 9th-10th का रट लेते हैं विच गिव्स OH, और यहाँ OH नहीं कहा गया, विच गिव्स बेस की डिफिनेशन है जो OH माइनस दे। क्या यहाँ पर OH माइनस लिखा गया है? नहीं, जो H प्लस दे। ओके, दोनों में फर्क है। अरे बोलिए हाँ या ना। NaOH on NaOH OH माइनस देता है, इसलिए ये बेस है। और याद रखिए नॉन मेटल के साथ जहां भी OH होगा वो हमेशा एसिड होगा, मेटल के साथ जब OH होता है तो वो बेस होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी सर। हाँ, ये नाक कटवा देंगे। ये नॉन मेटल के साथ OH तो ये OH नहीं दे रहा है, ये H प्लस ही दे रहा है। पूरे में लिखवा के मैं थक गया। इट इज डाई बेसिक डाइप्रोटिक। यहाँ देखिए सब में लिखवाया ना मैंने, टेट्रा बेसिक टेट्रा प्रोटिक। व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड? इट कंटेन वन POH, इट इज मोनो बेसिक या मोनो प्रोटिक। और नाम भी है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फीनिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। एसिड को आप बेस बना रही हैं। ए अल्लाह, आया कि नहीं आया अभी भी समझ में? आ गया सर। हाँ, अल्लाह, ओ माय गॉड, अच्छा हुआ कि मैं पूछ लिया था। यहाँ सुने, और यही तो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। ऑक्सी एसिड में OH जितना होगा उतना H प्लस रिलीज होगा। अब बेस की डिफिनेशन होती है जो OH माइनस दे। ओके जी सर। हाँ, अभी भी कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। हाँ, तो यहाँ बताइए फिर से सारे लोग, OH क्या बताता है ऑक्सी एसिड में? एसिडिक। कितना H प्लस देगा? और अगर ऑक्सी एसिड में H डायरेक्टली अटैच्ड है तो ये क्या चीज को बताएगा? रिड्यूसिंग नेचर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। सबको सुनने में आया हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाँ, अरे रहीमा खान, आपको अच्छे से आया? यस सर। तो बताइए बेस क्या देता है? OH देता है कि OH माइनस देता है? जल्दी बताएं। OH माइनस। माइनस। रहीमा बताएंगी। रहीमा, OH माइनस देता है जब मेटल के साथ जुड़ा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नॉन और नॉन मेटल के साथ अगर OH होगा तो ये क्या रिलीज करेगा? जल्दी बताएं। OH। अरे, नॉन मेटल के साथ OH होगा तो क्या? H प्लस एसिडिक। हाँ, एसिडिक हो जाएगा ना। अब ये नॉन मेटल के साथ जितना OH होगा उतना H प्लस देगा, वो आ गया समझ? हाँ, समझ में आ गया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अगर ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन अगर अटैच है तो ये H प्लस देगा या नहीं देगा? ऑक्सी एसिड में अगर H हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है तो क्या ये H प्लस देगा? रहीमा बताएंगी। सर, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना। हाँ, वाह वाह, ऐसे सब लोग क्लैपिंग करें, क्लैपिंग। हाँ वाह वाह, चलिए इसी बात पर मेरी तकरीर खत्म। वाखर दवाना, अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इतना फर्क रखेंगे।